हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो स्टूडेंट, पहले क्या कर रहे हैं, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंगल एलिवेशन बन रहा है स्टूडेंट ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टावर के फुट पे जो है 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री तो होगा स्टूडेंट, तो बिल्डिंग का हाइट जो होगा वो 30 डिग्री है और टावर की हाइट 45 डिग्री है। ठीक है, तो स्टूडेंट 30 डिग्री होगा तो बिल्डिंग का जो हाइट कम होगा क्योंकि 30 डिग्री है और इसका टावर का हाइट 45 डिग्री की, क्योंकि स्टूडेंट 30 डिग्री कैसा होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, फिर ये 60 होता है, ये 45 होता है और ये 30 होता है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे ही बनना चाहिए, मतलब बिल्डिंग का हाइट इतना होना चाहिए। अगर 45 डिग्री है तो बिल्डिंग हाइट, टावर की हाइट 45 डिग्री, तो इतना हो जाएगा होगा, और बिल्डिंग हाइट इतना, तो इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग हो गया, अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर का। यहाँ पे स्टूडेंट टावर है, टावर की हाइट 45 डिग्री, इतनी लंबी बिल्डिंग से बड़ा होगा, और बोल रहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक एंगल बन रहा है इसका 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये हो जाएगा 30 डिग्री, हो गया। अब सेकेंड कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट से एंगल जो बन रहा है वो है 45 डिग्री, यहाँ हो जाएगा, तो फिगर ऐसे बनेगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। इफ द टावर इज 30 मीटर, टावर की हाइट जो दी हुई 30 मीटर दिया हुआ है और फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए पहले हम लिख लेते हैं, नेम कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी हो जाएगा हमारा। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये ए बी इज द हाइट ऑफ ये टावर था ना, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। इफ द टावर इज 30 मीटर हाइट, तो हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 30 मीटर होगा, और दिया हुआ है स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ, मतलब दिया हुआ है डी सी बी दिया हुआ है, एंगल डी बी सी 30 डिग्री दिया हुआ है, और ए सी बी 45 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें ये नहीं, आप लोग कर लेंगे, पहले आप पूरे अच्छे से लिख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस फिगर का क्वेश्चन, इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट कि जब ये थीटा होता है, ये 90, ये एक राइट एंगल स्टूडेंट, तो ये 90 डिग्री होगा, ये ना इसको अलग कर लेते हैं, जैसे ये आप ये अलग हो गया, फिगर ऐसे ही है ना, ऐसे है 30 डिग्री है, ये एक राइट एंगल स्टूडेंट, तो ये 90 डिग्री होता है। फॉर्मूला होता क्या है, ये थीटा होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60, तो ये हो जाएगा, ये पार्ट हमारा 60 डिग्री होगा, ये 30, ये 90, ये 60 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट होगा, अब इस फिगर को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये 45 डिग्री है, अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हमारा 45 है। अब देखिए स्टूडेंट होता क्या है, राइट एंगल तो ये 90 होता है और ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये तो 90 माइनस थीटा, तो 90 को 45 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 45 होगा। अब देखिए स्टूडेंट इस ट्रायंगल में किसी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे जिसमें 45 डिग्री की वैल्यू दिया हुआ, 30 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, क्या होता है ये एक ट्रिक आपको याद है, 45:45:90 का बन रहा है, तो इसमें ये वाला ट्रिक यूज़ होगा जो होता है 45 ए ए और ये रूट टू ए।
अब देखिए इसमें क्या होता है, जिस एंगल का वैल्यू दिया होता है उस नंबर के पहले देखते हैं। तो इसमें 45 की वैल्यू दिया, चाहिए देखिए, चाहिए देखिए, दोनों इक्वल है। तो आप ये वाला नंबर देखेंगे 45 ये, तो 40 पहले हम क्या करते हैं, जो एंगल का वैल्यू दिया होता है उस नंबर को देखते हैं। तो 45 में ए, अब ए की वैल्यू फाइंड करना पड़ता है हमको पहले। तो स्टूडेंट ए के आगे कोई नंबर नहीं है, जब ये मान लीजिए ए के आगे कोई नंबर नहीं तो वन ही होता, वन होता है, वन होता है। तो वन अगर इज इक्वल टू इधर आएगा तो वन बाई वन ही हो जाएगा। तो ये अब ये पहले ये देख लीजिएगा, रूट टू ए, टू रूट टू अगर इज इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वन बाई रूट टू होगा। तो वैसे ही करते हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो एंगल की वैल्यू दिया होता है उसमें ए से इंटू करते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, वन है। ए की वैल्यू अगर कुछ भी दिया होगा तो उसमें इंटू करते हैं। इसमें ए की वैल्यू वन है तो वन इंटू थर्टी क्या हो जाएगा, थर्टी। तो 45 मिल गया 30, और इसका भी 30 होगा, इसका हो जाएगा रूट टू ए, मतलब रूट टू इंटू 30, मतलब 30 रूट टू हो जाएगा। ये 45 है, ये 45 के सामने वाला, ये भी 30, और ये 90 क्या, 30 रूट टू। अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, अब देखिए स्टूडेंट, अब इस ट्रायंगल में मिल गया हमें, ये 45 है और ये 90 डिग्री है, ये 30 है, 90 डिग्री मतलब ये कितना दिया हुआ है, 30 रूट टू। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरे ट्रायंगल का फाइंड करने के लिए वैल्यू मिल गई हमें, क्या मिल गई है, ये बेस, बेस का वैल्यू मिल गया है। बेस का वैल्यू मतलब ये 30 है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 की वैल्यू मिल गई, 30 मिल गया स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, अब ये पहले वाला ट्रायंगल का ट्रिक था, अब दूसरा ट्रायंगल ट्रिक क्या होगा स्टूडेंट, वो होता है 30:60:90 है, इसमें 30 है, 60 है और ये 90 है, है। तो 30 में होता है ए, 60 में होता है रूट थ्री ए और इसमें 2a। अब देखिए 60 के आगे 30 दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर के जो एंगल के आगे वैल्यू दिया हुआ तो उस नंबर को देखते हैं। तो 60 के आगे दिया तो 60 वाला देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, नंबर देखने के बाद हम करते हैं ए का वैल्यू फाइंड करते हैं, ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ए की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले हम, तो ए के आगे जो भी नंबर दिया होता है उसको इज इक्वल टू इधर रखते हैं। तो इधर रूट थ्री दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वन बाई रूट थ्री हो जाएगा। एक वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, वन बाई रूट थ्री हो गए। अब जब एक वैल्यू मिल जाती है स्टूडेंट, जो दो जो एंगल का वैल्यू दिया होता है उसमें इंटू करते हैं ए में, तो 60 का हम वैल्यू निकालें, 60 से निकालें ए की वैल्यू। अब 60 की वैल्यू दिया 30 डिग्री, 30 के इसमें इंटू करें कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 30 होगा। अब देखिए स्टूडेंट रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर रेशनलाइज करें तो आएगा क्या हमारा, रूट थ्री बाई थ्री आएगा। अगर थ्री ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है यहाँ पे जो थ्री से कैंसिल हो जाए तब हम रेशनलाइज करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम रेशनलाइज नहीं करेंगे। 30 कैंसिल हो जाएगा, तो आप ऐसे रेशनलाइज करेंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 30 यहाँ से दिया हुआ है, वन बाई रूट थ्री। अब इसको रेशनलाइज करेंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वन बाई रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। डिनोमिनेटर से इंटू करते हैं, बोथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में करते हैं, तो ये हो जाएगा 30 रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है इसमें, थ्री होता है, थ्री, थ्री से 30 कैंसिल तो हो जाएगा 10 रूट थ्री होगा, 10 रूट थ्री। ए की वैल्यू मिल गया हमें 10 रूट थ्री। अब 30 के आगे ए दिया हुआ है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया होता है इस सबके वैल्यू निकाल लेते हैं। जब ए की वैल्यू निकल जाती है स्टूडेंट, तो दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो ए की वैल्यू निकल गई हमारी 10 रूट थ्री, 10 रूट थ्री मिल गए। तो ए 30 की जगह हम लिख देंगे 10 रूट थ्री हो गया, 30 की जगह 10 रूट थ्री। अब 90 की जगह क्या लिखेंगे, 2a है तो 2 इंटू 10 रूट थ्री, 2 इंटू 10 रूट थ्री क्या हो जाएगा इसमें, 10 टू से 20, 20 रूट थ्री। तो ये हो जाएगा 90 की जगह 20 रूट थ्री। अब देखिए इसमें निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है हमारी, तो बिल्डिंग की हाइट क्या मिल गई स्टूडेंट, डी सी इज इक्वल टू, आप सब अच्छे से लिख लीजिएगा स्टूडेंट, इसके बाद सॉल्व करिएगा। देखिए स्टूडेंट, डी सी इज इक्वल टू 10 रूट थ्री, तो रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, वन, रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, 1.732। अगर स्टूडेंट आपको रूट थ्री की वैल्यू नहीं पता है तो आप स्क्वायर रूट निकाल के समझ जाएंगे रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है। तो 1.732, 1.73 को 10 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1.73 को 10 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 17.32 मीटर में, मीटर में दिया हुआ है स्टूडेंट, तो मीटर हमारा आंसर मिल गया हमें, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 1.17.32 मीटर हमारा आंसर हो गया। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।